ओके सो नेक्स्ट आपा कर रहे से सेंट्रल टेंडेंसी दा अपन ये कैरी फॉरवर्ड कर दे हां आपा लास्ट क्लास विच से इंट्रो की थी सी कि सेंट्रल टेंडेंसी हुंदा केर विच किने नंबर्स ऑफ मेथड आंदे हां सो मैं एक बार रिपीट करवा देनी हां आपा देखे से कि सेंट्रल टेंडेंसी दे विच साडे कोल तीन तरह दे मेथड हुंदे हां फर्स्ट वन इज मीन सेकंड वन इज मीडियन एंड थर्ड वन इज मोड मीन दैट मीनस के एवरेज नू फाइंड आउट करना मीडियन दैट मीनस के आपा मिडल वैल्यू देखनी और मोड विच आपा कर रहे सी मोस्ट अकरिंग वैल्यू जिहड़ी बार बार रिपीट हुंदी आ या फिर आपा कह सकदे आ कि जिहड़ी हाईएस्ट वैल्यू होगी सो ओ किहदे विच आ जांदी आ मोड विच अगर आपा क्रक्स देखना होवे इन्हां दी समरी देखनी होवे सो की आ मीन दा मतलब हुंदा कि आपा एक एवरेज फाइंड आउट करदे आ मीडियम दैट मीनस के आप मिडल वैल्यू चेक लेने और मोड दैट मीनस के जिहड़ी बार बार अकर हो रही है वैल्यू या फिर हाईएस्ट वैल्यू दैट इज नोन एज मोड सो आप मीन के कुछ मैथड्स किए थे सो आप सब तो पहले मीन नू स्टार्ट करते हैं थोड़ा जहा उदन किया भी सी नाउ आप एक बार रिपीट कर लें जिन्ना आप किया से दैन आप अगे कंटिन्यू करा सो मीन विच आप की किया कि जो सा मीन है ये साडे कोल दो तरह का होंगे आ दैट मीनस कि एवरेज साडे कोल दो तरह की एवरेज होंगी है मैथमेटिकल एवरेज मैथमेटिकल एवरेज पोजिशनल एवरेज आप सारे किया कि मैथमेटिकल एवरेज पोजिशनल एवरेज साढ़े को दो तरह की एवरेज होंगी है और मैथमेटिकल फर्दर तीन टाइप विच क्लासीफाई आ तीन टाइप केड़े केड़े आ अर्थमैटिक मीन जियोमैट्रिक मीन नेक्स्ट वन इज हारमोनिक मीन नेक्स्ट आप पोजिशनल विच देख सकते हैं पोजिशनल विच दोनों चीज आदि मीन जो मीडियन और मोड आता है पोजिशनल दे विच आता है देखो मीडियन और मोड सो आप अर्थमैटिक मीन तो स्टार्ट करते पे सी मैथमेटिकली आप स्टार्ट किया सी मैथमेटिकल विच आप फर्स्ट कर रहे थे अर्थमैटिक मीन सो आप ओनली कंटिन्यू कर रहे हैं अगर मैं अर्थमैटिक मीन की गल करा दैट मीनस के ए भी अगे मेरे को दो तरह दी एक तो सिंपल मीन आ सेकंड नंबर मेरा आ जाता है वेटेड वेटेड अर्थमैटिक मीन सिंपल अर्थमैटिक मीन और सेकंड वन इज वेटेड अर्थमैटिक मीन नाउ अगर मैं सिंपल की गल करा आप सिंपल तो स्टार्ट कर रहे सी सिंपल अर्थमैटिक मीन तो आप लास्ट क्लास में सिंपल वाला की किया सी इन्हां दे भी डिफरेंट डिफरेंट मैथड से साडे कोल सिंपल दे विच भी अगर मैं गल करां तो मेरे कोल फर्स्ट मैथड किया जांदा है इंडिविजुअल सीरीज दा मेरे कोल तीन तरह दी सीरीज सी इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और कंटीन्यूअस अगर मैं इंडिविजुअल दी गल करदी हां सो इंडिविजुअल विच भी मेरे कोल दो तरह दे मैथड होणगे दो केड़े-केड़े डायरेक्ट मैथड होगा और सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड सो आप एक करके कर देखते हैं कि केड़े मेथड विच की है पहले इना देख लो कि आप कर रहे हैं कि आप सेंट्रल टेंडेंसी का कर रहे थे कि सेंट्रल टेंडेंसी साढ़े को तीन तरह की होंगी है मीन मीडियन और मोड अगर मीन की गल करा दैट मीनस कि मैं मेरी एवरेज नो डिफाइन करेगा मीडियन मेरी मीडियल वैल्यू मोड मोस्ट अकरिंग वैल्यू या फिर हाईएस्ट वैल्यू दैन मीन जो फर्दर है दो तरह का है मैथमैटिकली मीन और पोजिशनल मैथमैटिकली फर्दर थ्री टाइप विच आ अर्थमैटिक जियोमैट्रिक और हारमोनिक और पोजिशनल विच मीडियन और मोड आता है आप फर्स्ट तो स्टार्ट कर रहे थे कि अर्थमैटिक मीन की होंगे है जो कि सिंपल मीनों पर अर्थमैटिक मीन बोलते हैं जो कि फर्दर दो तरह क्लासीफाई है सिंपल अर्थमैटिक और वेटेड अर्थमैटिक सिंपल के तीन तरह की सीरीज आ जाती है इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सो आप पहले सिर्फ इंडिविजुअल देख रहे थे कि इंडिविजुअल के फर्दर दो तरह के मैथड सो आप इन कॉन्टीन्यू करते हैं अगर मैं इंडिविजुअल फर्स्ट मैथड की गल करा दैट इज डायरेक्ट मैथड
पहले अपन तिना दे फॉर्मूले लिखांगे देन अपन क्वेश्चन सॉल्व करांगे। सो डायरेक्ट द फॉर्मूला की हुंदा है, मीन में उधर भी दसिया सी, मीन किदे नाल डिनोट करदा है, एक्स बार दे नाल, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ मीन बट इन डायरेक्ट मैथड। डायरेक्ट मैथड विच जरा सिंपल जहा फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स किन्ना है उन्होंने डिवाइड कर दो एन दे नाल, एन दैट मीन्स के टोटल नंबर ऑफ वैल्यू किन्ने है, टोटल नंबर्स ऑफ वर्कर किन्ने है, जो अपन डिवाइड कर देंगे साडे कोल मीन दी वैल्यू आ जाऊगी अकॉर्डिंग टू अ डायरेक्ट मैथड। सेकेंड वन इज अगर डायरेक्ट मैथड तो सेकेंड जी अपन लास्ट क्लास मैथड भी किया सी, नाम की थी सेकेंड मैथड हाँ जी भारती।